Hello guys, this is Mansi from evidhati.in coming to question number 4, exercise 7.2. So in this question we have, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. So एक box of sweets है जिसमें से अगर हम 24 बच्चों को बांटते हैं तो 5 sweets मिलेंगी सबको. How much would each get if the number of children is reduced by 4? अब इस 24 में से 4 बच्चे निकाल दिए. अब वो पूछ रहे हैं जो बच्चे हमारे पास, जैसे 20 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, तो उनको कितनी कितनी मिलेंगी. सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे अभी जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 24 चिल्ड्रन को 5 ईच, सो वी कैन फाइंड टोटल स्वीट्स कितनी है. ये कैसे पता चलेगा? 24 स्टूडेंट्स को 5 ईच मिली है. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 5 4 20, 5 2 10 प्लस 2 12, 120. मतलब टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 120 है. नाउ चिल्ड्रन जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि चिल्ड्रन थे 20, कितने थे 24, उसमें से हमने 4 बच्चे कम कर दिए. जो हमसे पूछा है कि अगर 4 स्टूडेंट्स आर रिड्यूस, तो हमारे पास बचा 20 चिल्ड्रन बचे, राइट. अब इन 120 स्वीट्स को आपको 20 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो ईच विल गेट कितनी मिलेगी? स्वीट्स कितनी है? 120. स्टूडेंट्स कितने हैं? 20. 0 से 0 कैंसिल, 2 and 12, दिस विल बी 6. सो दिस मीन्स 6 स्वीट्स ईच. अगर 4 बच्चे कम हो जाएंगे तो 20 बच्चों को 6 स्वीट्स ईच मिलेगी, सबको 6 स्वीट्स. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.